तो आज मैं आपको लेकर आ गया इंदौर के राजहंस होटल में, जिनके वाफले पूरे इंदौर में बहुत ही फेमस है। तो चलिए चलते हैं, इनके ओनर से जानते हैं कि दाल वाफले होते क्या है, उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लगने जा रहा है इंदौर का सबसे फेमस वाफला। तो ये भाई आटा लगने जा रहा है, ये दो बड़ी बड़ी बोरियां यहाँ पे परात में आ चुकी है और पूरी परात भर गए यहाँ पे वाफला लगने वाला है। कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में सुबह सुबह यहाँ पे वाफले की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो 50 से 60 किलो यहाँ पे आटा लग चुका है और ये पूरी परात में इन्होंने भर दिया है। ये आटा, इसमें मसाले पूरे कंप्लीट हो अच्छा, चुके मसाले के साथ में पूरा ये मसाला कंप्लीट है इसका। अच्छा, तो ये आ गया यहाँ पे पानी और दही के साथ रहता है, ये दही के पानी। तो भैया इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंद लिया जाएगा यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके इनको गूंदा जाएगा। अच्छा, और गूंदने के बाद ये वापस टप में आएगा, फिर वापस परात खाली होने के बाद वापस इसको स्मूथ करना पड़ेगा हमको। ऐसे वाफले पूरे इंदौर में आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो देख सकते हो कितनी मेहनत का काम है, बढ़िया तरीके से गूंद रहे हैं, कितना ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे इन्होंने आटा लगाया, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स किए हैं। ये देखिए आधा इन्होंने गूंद दिया, दूसरी तरफ ये गूंदने जा रहे हैं। तो गर्म गर्म पानी बनता है, गर्म गर्म। तो आधा आटा तो गूँ चुका है, अब ये बाकी का आटा यहाँ पे गूँदेंगे। तो इन्होंने आटा अच्छे से गूँद दिया, अब इसको स्मूथ किया जा रहा है। यहाँ पे स्मूथ करने के बाद यहाँ पे वाफले लगाने के लिए रेडी हो चुका है ये आटा। तो अब यहाँ पे इंदौर के फेमस वाफले लगने जा रहे हैं। साइज़ देख सकते हो कितना बड़ा साइज़ है, पूरे इंदौर में ऐसे वाफले बनते हैं, इतने बड़े साइज़ के नहीं बनते पूरे इंदौर में, आपको इतने बड़े साइज़ के वाफले नहीं मिलने वाले, बहुत ही बड़ा साइज़ रहता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे छोटे छोटे वाफले, बट इनका जो लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। ये देखिए साइज़ देखिए भैया आप। तो भैया कितनी देर रहेंगे पानी के अंदर? ये पानी के अंदर रहेंगे सर ये 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटा रहेंगे पानी में, बॉइल्ड होता रहेगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे जितने भी वाफले देख रहे हो ये पानी में भी डूबे हुए हैं, पर 1 घंटे बाद ये पूरे ऊपर आ जाएंगे और ये रेडी हो जाएंगे। 1 घंटे रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म वाफले बन के रेडी हो चुके हैं और ये ऊपर आ चुके हैं। क्वांटिटी देखिए और कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, 1-1.5 घंटे बाद ये बढ़िया तरीके से बन चुके हैं। साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज़ है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाफले यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। पूरी कढ़ाई यहाँ पे भर चुकी है, कढ़ाई का साइज़ देख सकते हो। भैया कितना टाइम लग जाएगा इसको बनने में? 15 मिनट में सर कम्प्लीट हो जाएगा। 15 मिनट में कम्प्लीट हो जाएगा। राजहंस के जम्बो साइज़ वाफले यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं, अब जाएंगे ये बेक होने के लिए। तो यहाँ पे वाफले आ चुके हैं, अब ये अच्छे से बेक होंगे। भैया कितना टाइम लग जाता है बेक होने में इसको? 30 से 45 मिनट्स। वाफले हमारे बेक होने जा रहे हैं, अब इसको बंद कर दिया जाएगा। 30 मिनट्स तक ये ड्यूरेशन में इनको पलटाना पड़ता है सर। तो देख सकते हो वाफला यहाँ पे अच्छे से धीरे धीरे बेक हो रहा है और ये देख सकते हो एक साइड से गोल्डन कलर इसका आ चुका है। तो इसको हर एक साइड से पकाया जाता है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे वाफले आ चुके हैं और अब इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे घी में डाला जाएगा। अब सर वाफला हमारा बेक हो गया है, अब इसको डीप फ्राई करेंगे घी में डूबा हुआ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था तरमाल होना चाहिए, देसी खाना तो देसी घी में। ये अब वाफले को फोड़ फोड़ के घी में डालेंगे, फोड़ने का इसलिए हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं ताकि जो अंदर तक का घर होता है जो गूदा गूदा जिसको बोलते हैं वो घी में होगा डूबा हुआ, तो वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा देगा। ऊपर की परत क्या होता है सर कि अगर ऐसा कैसा पूरा डाल दूंगा तो ऊपर की लेयर वाफला लग जाएगी, अंदर कहीं भी घी नहीं जाएगा, तो अंदर से जब कस्टमर खाएगा तो उसको कच्चा कच्चा लगेगा। अच्छा, कच्चा ना लगे इसलिए हम लोग घी में डुबाते हैं और तरमाल सर्व करते हैं। तो पूरी कढ़ाई भर के यहाँ पे देसी घी में वाफले को डाल दिया, कितना टाइम रखेंगे इसको? सर 10 मिनट तक रखेंगे ताकि अंदर तक घी आराम से चला जाए और जब हम सर्व करें तो टेस्ट अच्छा। ठीक है, तो वाफला बढ़िया तरीके से देसी घी में लग के रेडी हो चुका है, अब इसको निकाल लिया जाएगा। तो इसके हर कोने कोने में देसी घी बढ़िया तरीके से अब्सॉर्ब हो चुका है, देसी घी है इसके साथ। तो वाफले की पैकिंग स्टार्ट हो गई है, अब इसको अच्छे से पैक कर लिया जाएगा ताकि जो उनका बॉक्स रहता है उसमें अच्छे से आ जाए। तो भाई यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है कढ़ी जो कि वाफले के साथ यहाँ पे लगाई जाती है। भाई क्या क्या रहता है इसमें? सर इसमें टर्मरिक रहता है, दही से बनती है कढ़ी और इसको हम कम से कम 5 से 6 घंटे तक बॉयल करते हैं। 5 से 6 घंटे बॉयल करते हैं तब जाकर इसमें टेस्ट डेवलप होता है। मतलब हमारे यहाँ इंदौर में ऐसा माना जाता है कि सर्दी है तो कड़ी ज़रूर पीना है। देख सकते हैं इसमें हरी मिर्च का तड़का है, जीरा है, इसमें हम लोग मेथी दाना भी डालते हैं। सर ये है मेन चीज़ दाल, इस दाल को हम इतना बॉयल करते हैं वाफले का मज़ा तुअर की दाल के साथ ही आता है। अच्छा, तो कितने घंटे लगते हैं बनाने में ये? सर पूरा दाल वाफले का थाली प्रिपेयर होने में
मिनिमम 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगते हैं सभी चीज़ें हम खुद प्रिपेयर करते हैं। राइस, अभी राइस बनाया है, इसका पुलाव बनेगा। पुलाव बनेगा, इसमें अनार के दाने, हरी मिर्च का तड़का, सभी चीज़ें डालते हैं। ये तो यहाँ पे डलने आ रही लहसुन की चटनी, स्पेशल चटनी है। अच्छा, स्पेशल रहती है जो बाफले में जादू डाल देती है। अच्छा, टेस्ट बढ़ा देती है, टेस्ट बढ़ा देती है बाफले का। पूरा खाना एक तरफ, लहसुन की चटनी हमारी स्पेशल एक तरफ। तो ये डलने आ रही हरी चटनी, ये धनी पुदीने की रहती है? धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, कुछ हमारे मसाले सब मिला के बनती है चटनी। ये चटनी पार्सल के लिए रेडी हो रही है। अच्छा, हमारा पार्सल दिन भर पूरे ऑल ओवर इंदौर में जाता है। तो यहाँ पे हमारे लड्डू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो भैया कौन से लड्डू रहते हैं? सर, ये सूजी का लड्डू बनता है जो बाफले के साथ कॉम्बिनेशन है, बाफला और लड्डू। जैसे राजस्थान में बाटी और चूरमा होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ मालवा में बाफला और लड्डू का होता है कॉम्बिनेशन। इसमें हम प्योर केसर डालते हैं, उसके साथ में मेवे भी डालते हैं, काजू, बादाम, ये सब डाल के लड्डू को बनाया जाता है। ये लड्डू हमारे यहाँ बहुत फेमस है और बहुत बल्क ऑर्डर्स लड्डू के हम लोग के पास आते हैं। और ये आपके पार्सल में रहते हैं, दो लड्डू रहते हैं? हाँ, एक थाली में दो लड्डू आते हैं। एक्स्ट्रा किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो हम लोग एक्स्ट्रा भी सर्व करते हैं। ये पूरा मिलाएंगे और इसका लड्डू का छोटे छोटे से लड्डू बनाए जाएंगे। सर, ये अब हमारी दाल जो है पैकिंग के लिए तैयार हो रही है। इसमें हम तरी का तड़का डालेंगे जिससे दाल की रंग और दाल के स्वाद में डबल मज़ा आएगा। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। धनिया क्या होता है, गार्निशिंग, और सर खाने की जान है धनिया। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल की रंगत, देख सकते हो कितनी बढ़िया आ चुकी है। ऊपर से धनिया डाल दिया है ताकि स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे पैकिंग चालू हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कड़ी की पैकिंग चल रही है। 4 घंटे बढ़िया से इसको उबाल के तैयार किया जाता है और अब इसको पैक कर लेंगे। तो होटल राजहंस का यहाँ पे दाल वाफला पार्सल यहाँ पे लगने जा रहा है। तो ये इनका बॉक्स रहता है पैकिंग वाला। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है। इसमें सर हम दोनों देते हैं, दो दाल और कड़ी, जिसमें खाली कर ले। इसमें हम आलू की सब्जी पैक करते हैं, इसमें चावल पैक करते हैं ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सही रहे, सिल्वर फॉइल से कोटेड करते हैं। इसमें हम सैलड रखेंगे, चटनी भी देंगे साथ में। दो टाइप की चटनी रहती है? चटनी दोनों तरह की मिक्स करके देते हैं सर। लड्डू जो हमारा स्वादिष्ट मिष्ठान होता है, और ये छाछ, ये करने के बाद हम लोग इसमें दाल का जो पैकिंग हुआ है हमारा वो रखेंगे, साथ में गरम गरम जो हमारी उबली हुई कड़ी है वो रखेंगे। ये हमारा बाफला रेडी है। और ये आ गया बाफला। तो प्राइस कितना रहता है इसका? अभी आज जो रेट है हमारा वो 260 रुपये थाली है। वैसे अकॉर्डिंगली रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो बनाने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, बट खाने का प्रोसेस मुझे नहीं पता कैसे खाते हैं। तो भैया मुझे बता दीजिए कैसे खाएंगे इसको? इसको खाने के लिए सबसे पहले बाफले को तोड़ा जाता है। अच्छा, बारीक किया जाता है। ये देखो आप, अगर हमने इसमें घी डाला तो अंदर तक घी गया हुआ है। थोड़ी सी चटनी डालेंगे। अच्छा, ये चटनी, दोनों चटनी डालेंगे। चटनी का जायका सर अपना अलग ही होता है। अच्छा, देन उसमें हम आलू की सब्जी डालेंगे, इसमें फिर हम दाल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच कड़ी डालेंगे ताकि थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट जैसा आ जाए। अच्छा, फिर इसको हम अपनी 5 उंगलियों से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सबसे मेन चीज़ जो है नींबू, थोड़ा सा नींबू डालेंगे। अभी हमारा बाफला पूरा खाने के लिए रेडी है। अब आप इस डिश को खा के बताइए सर कैसा बना है। तो फाइनली इंदौर का फेमस राजहंस का बाफला यहाँ पे लग चुका है। तो देख सकते हो ये थाली मेरी रेडी हो चुकी है। भैया ने मुझे खाने का तरीका बता दिया, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इनका बाफला खा के मज़ा ही आ गया। बहुत सारे फ्लेवर्स एक साथ आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। अगर भैया ने मुझे खाने का तरीका नहीं बताया था तो मुझे पता नहीं चलता कि इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है। तो अगर आप भी इंदौर से बाहर से आ रहे हो तो पहले इसके खाने का तरीका सीखना, उसके बाद इसको टेस्ट करना, वरना आपको एक्चुअल जो टेस्ट है वो यहाँ का नहीं आने वाला। और जो इसका खाने का मज़ा है वो 5 उंगली से खाने का मज़ा है, चम्मच से खाने का मज़ा नहीं है। तो साथ में छाछ रहती है, फ्राइड पुलाव रहता है और साथ में मिलता है लड्डू। टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? टाइमिंग सर हमारा 11 o'clock रहता है, सुबह 11 से रात को 9 बजे तक कंटिन्यू चलता है। आप कभी भी आ सकते हैं। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? सर 7-8 दिन दाल बाफला ही रहता है, कभी छुट्टी होती ही नहीं हमारी। 365 दिन हमारा होटल चालू रहता है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो। 52 बड़ा सराफा, बुलियन एक्सचेंज मार्केट, राजवाड़ा के पीछे, सराफा जवेरी मार्केट है। राजहंस के नाम से आपको मिल ही जाएगा, किसी से पूछेंगे कोई भी बता देगा। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, गूगल करेंगे, हमारे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप उस पर कॉल करके भी आ सकते हैं। लोकेशन भी उस पर डली हुई है, आप उससे लोकेशन ट्रेस करके भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ पार्सल लोग बाहर से आते हैं, जो फ्लाइट से जाने वाला है बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, लोग पार्सल लेकर जाते हैं और उनकी फैमिली को भी एंजॉय कराते हैं। तो अगर आप भी इंदौर रहते हो, विजिट कर रहे हो, तो राजहंस में आके इनका बाफला जरूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं इस थाली को जल्दी से यहाँ पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में।